प्रदेश के महोबा जनपद में स्कूली बच्चों को कराटे का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। निःशुल्क चलाए जा रहे इस कैंप में 50 से अधिक स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा हिस्सा लिया जा रहा है। जनपद महोबा के आनाचेक स्थित अम्बेडकर पार्क में कराटे प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। 15 दिन तक चलने वाले इस कैंप के अंतर्गत छात्र छात्राओं को आत्मरक्षा के सिखाए जा रहे हैं। निःशुल्क चलाए जाने वाले इस प्रशिक्षण शिविर को लेकर स्कूली बच्चों में खासी रुचि देखी जा रही है। ये हमारी जो कमेटी है कराटे एसोसिएशन महोबा की तरफ से 15 दिवसीय का रखा गया है। इसमें महिलाओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जा रही है। ये कैंप 15 से 20 दिन चलने वाला है और इसके साथ में कम से कम 50 से 60 लोग इसमें लड़कियाँ और साथ में लड़के भाग ले रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आके सुबह 4:30 बजे से आके यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं। अभी फ़िलहाल महोबा लोकल में ही ट्रेनिंग चल रही है। इसके बाद हम सीधे चरखारी जाने वाले हैं और चरखारी में भी हम 15 से 20 दिन की वहाँ पे महिलाओं को निःशुल्क ट्रेनिंग देने वाले हैं जिसमें हमारी पूरी टीम रहेगी। ये जो कैंप चल रहा है तो ये सबसे पहले तो इसमें सेल्फ डिफेंस को ही हम मान्यता दे रहे हैं। इसमें बच्चियों को आत्मरक्षा के गुण सिखाए जा रहे हैं जिससे बच्चियां स्वयं की सुरक्षा कर सकें। इसमें ओनली कराते है, ताइक्वांडो या जूडो नहीं है। मैं ओनली कराते से हूँ और मैं बच्चियों को कराते का ही प्रशिक्षण दे रही हूँ। इसमें बच्चियों को गुड टच, बैड टच इसकी भी जानकारी दी जा रही है और साथ में जो आत्मरक्षा चल रहा है, आत्मरक्षा के गुण सिखाए जा रहे हैं वो तो अलग।